नमस्कार, आई वेलकम यू इन द प्रभात लैंग्वेज क्लासेज स्टूडेंट्स. टुडे वी शैल एंजॉय अ पोएम नेम्ड सिंपैथी. दिस पोएम इज इन क्लास 9th सिलेबस ऑफ इंग्लिश रीडर पोएट्री सेक्शन बाय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद. स्टूडेंट्स, इस पोएम की हिंदी है सहानुभूति. इस पोएम में पोएट सहानुभूति और धन दोनों में तुलना करता है. एंड ही फाइंड्स सिंपैथी ग्रेटर देन मनी. सो लेट्स स्टडी द पोएम. स्टूडेंट्स, ये समथिंग हैज बीन रिटन अबाउट द पोएट. द पोएट ऑफ दिस पोएम इज चार्ल्स मेक. यू शुड रीड अबाउट हिज लाइफ एंड वर्क. देन समथिंग हैज बीन रिटन अबाउट द पोएम. Let's come to the poem. Okay. I lay in sorrow, deep distressed. My grief a proud man heard. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. My sorrow passed, I paid him back the gold he gave me. Then he stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. I lay in want, in grief and pain. A poor man passed my way. He bound my head, he gave me bread. He washed me night and day. How shall I pay him back again for all he did to me? Oh, gold is great, but greater far is heavenly sympathy. Students, let's come to the first stanza. The first stanza is... Okay. I lay in sorrow, deep distressed. मैं लेटा था, पड़ा था in sorrow, दुख में, deep distressed, अत्यधिक पीड़ा में, कष्ट में. My grief, मेरा कष्ट. A proud man heard, एक घमंडी व्यक्ति ने सुना. His looks were cold, उसकी दृष्टि, उसकी निगाहें were cold, ठंडी थी अर्थात उदासीन थी. He gave me gold, उसने मुझे धन दिया, but not a kindly word, लेकिन दया भरा एक भी शब्द नहीं बोला. धन से मदद किया लेकिन एक भी शब्द वो दया भरा नहीं बोला. सेकंड स्टेंजा में है कि my sorrow passed, मेरा दुख गुजर गया, पास हो गया. I paid him back, मैंने उसे वापस अदा कर दिया. क्या? द गोल्ड, धन. कौन सा धन? ही गिव मी, जो उसने मुझे दिया था. देन स्टूड इरेक्ट, तब मैं सीधे खड़ा हुआ, तन के खड़ा हुआ. एंड स्पोक माई थैंक्स, और मैं अपना धन्यवाद उसे दिया. एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, एंड ब्लेस्ड और आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया, प्रशंसा किया उसकी चैरिटी की, उसकी दानशीलता की, जो वह दान दिया था. लेकिन होता क्या है कि पोएट सेकंड टाइम बीमार पड़ता है. आई ले इन वांट, मैं अभाव में पड़ा था, इन ग्रीफ एंड पेन, दुख और कष्ट में पड़ा था, दर्द में पड़ा था. अ पुअर मैन पास्ड माई वे, एक गरीब व्यक्ति मेरे रास्ते से गुजरा. ही बाउंड माई हेड, वह मेरा सिर दबाया, सिर पर पट्टी बांधा. ही गिव मी ब्रेड, उसने मुझे रोटी दिया अर्थात खाने की चीज़ दिया. ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे, उसने वॉश किया, रखवाली किया, देखभाल किया मेरी नाइट एंड डे, रात दिन मेरी वह रखवाली किया, देखभाल किया. फिर कहते हैं कि हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं उसको वापस पुनः कैसे अदा करूँगा. फॉर ऑल ही डिड टू मी, उन सब चीज़ों के लिए जो उसने किया, किसके प्रति किया, मेरे प्रति किया, मेरे लिए किया. ओ गोल्ड इज ग्रेट, हाँ धन बड़ा होता है, महान होता है, बट ग्रेटर फॉर, गोल्ड भी सोना होता है लेकिन यहाँ धन के अर्थ में है स्टूडेंट्स, बट ग्रेटर फॉर, लेकिन ज़्यादा ही महान होता है क्या, इज हेवन
हेवनली सिंपैथी स्वर्गीय सहानुभूति, वह सहानुभूति जो स्वर्ग में पाई जाती है अर्थात वह सहानुभूति जो देवताओं का गुण होता है वह जो होता है धन से बढ़ के होता है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इन दिस पोएम द पोएट बिकम्स इल टू टाइम्स। फर्स्ट टाइम ही इज हेल्प्ड बाई ए प्राउड मैन। द प्राउड मैन डज नॉट एक्सप्रेस एनी kindness to him, but gives him money, and when the poet recovers his illness, means when he becomes well, he returns his money and thanks him. But second time, he is helped by a poor man. The poor man looks after him, gives him food to eat, and binds his head. So after becoming well, he is unable to return his kindness. The services which he does to him, the poet is unable to return those services back to that poor man. In this way, he says that money can be returned, but sympathy can't be returned. In this way, sympathy is greater than money. Students, here there are some short answer type questions. You should try to answer these questions. Okay, I hope you have understood the poem very well. Thanks for watching this video.